हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं सुपर इंडियन का अगला कॉमिक्स अंकल मेट्रो। कैदी नंबर 420 उर्फ चील, तुम्हारी सजा पूरी हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे कि तुम्हें फिर से सजा काटने जेल आना पड़े। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी चेष्टा करूंगा साहब। ये लो तुम्हारे वो कपड़े जो तुमने जेल में आने से पहले पहने हुए थे। थैंक यू सर। भागो, कमाल है, टोनी चील जेल से फरार हो रहा है या पूरी सजा काट कर निकला है? आखिर माजरा क्या है? क्या बकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, वो टोनी चील नहीं, टोनी बाज था, टोनी चील का जुड़वा भाई। टोनी चील ये है जो आपके सामने खड़ा है। हाँ सर, टोनी चील तो मैं हूँ। आज मेरी 60 दिन की सजा पूरी हो रही है। वॉट नॉन सेंस, जॉनी बाज 6 महीने की सजा काट रहा था। जब उसे पता चला कि उसका जुड़वा भाई टोनी चील की सजा आज पूरी हो रही है, तो टोनी चील को बाथरूम में बंद कर उसकी 420 नंबर वाली वर्दी पहनकर चील बनकर पेश भी हो गया और फिर रिहा भी। हाँ साहब, मेरी सजा तो पूरी हो गई, मुझे तो आज रिहा करो। तुम्हें पक्का यकीन है कि ऐसा ही हुआ है? नो डाउट सर, इसके शरीर पहचान के निशानों को इसकी फाइल में दर्ज निशानों से मिला लिया गया है। ही इज टोनी चील सर, इसकी सजा पूरी हो रही है। ये है इसकी फाइल, इसको तो हमें अब छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे कपड़े दे दीजिए सर, क्योंकि मैं जेल वाले कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकता। ये मेट्रो सिटी की जेल है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम दोनों भाई अपने जुड़वा होने का फायदा उठाकर कानून की आंखों में धूल झोंक दोगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर हम तुम्हारे भगोड़े भाई जॉनी बाज को पकड़ लेंगे। सर, टोनी चील का क्या करे? इसकी सजा पूरी हो चुकी है, इसको छोड़ दो। इंस्पेक्टर कान खजूरिया को मिली वह सूचना अति महत्वपूर्ण थी। मेट्रो के सभी अस्पतालों पर हाई अलर्ट रखने का आदेश मिला है और जॉनी बाज की तस्वीर मेट्रो मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पर टेलीकास्ट की जा रही है। भयंकर हेडेक से पीड़ित ऐसे पुरुष मरीज पर नजर रखनी है जो जॉनी बाज भी हो सकता है। हेडेक बर्दाश्त के बाहर है, दो पेन किलर का भी असर नहीं हुआ। तुम्हारे दर्द की दवा वहाँ नहीं, हमारे पास है जॉनी बाज। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं जॉनी बाज हूँ? सिर दर्द के मरीज शॉल से अपना चेहरा छुपाकर नहीं आते जॉनी बाज। हाँ, जेल से भागे हुए जरूर आते हैं, मगर तुम्हें यह बात भी कैसे पता लगी कि मैं सिर दर्द का इलाज कराने हॉस्पिटल जरूर आऊँगा? आह हाँ, ये बात तुम्हें जाननी चाहिए। जब भी किसी कैदी को मेट्रो जेल भेजा जाता है, तो उससे पहले उसे जेल लैब भेजा जाता है। वहाँ उसके शरीर में बाल की शक्ल की एक माइक्रोचिप प्रत्यारोपित कर दी जाती है। वो चिप आजीवन उसके सिर में रहती है। यदि कैदी किसी तरह फरार होने में सफल हो जाता है, तो उस चिप को जेल लैब से सक्रिय कर दिया जाता है। चिप के कारण उस स्थान पर खून का थक्का बनने लगता है। ये थक्का शेप ब्लड सप्लाई को बाधित नहीं करता, लेकिन सिर में भयंकर पीड़ा पैदा करता है। इस पीड़ा को किसी भी पेन किलर से दूर करना संभव नहीं। पेन तभी खत्म होगा जब उस चिप को फिर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा, और ये काम निसंदेह भगोड़े अपराधी के पकड़े जाने पर ही किया जाएगा। और लो, हम मेट्रो फास्ट पुलिस के विशेष कॉरिडोर तक आ पहुंचे हैं। अब जेल तक का सफर हम लोग इस विशेष कॉरिडोर पर बने ट्रैक पर खड़ी सुपर फास्ट मेट्रो द्वारा करेंगे। जेल के दरवाजे पर ही टोनी चील की मुलाकात जॉनी बाज से हो गई। देखा मिस्टर टोनी चील, आधा घंटा बीतने में भी अभी 5 मिनट है। जॉनी बाज की इस कोशिश के लिए इसकी सजा 1 साल और बढ़ा दी गई है। अगली बार फरार होने के बाद सीधे नाई के पास जाऊंगा। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, नाई के पास जाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिप बाल की जड़ में स्थापित है, जिसे किसी भी सूरत में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उफ, मेट्रो सिटी को प्लान करते समय रेड आईब्रो और विक्रांत साहब ने मेट्रो सिटी के हाईटेक होने पर ही सारा जोर दिया था। तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेट्रो सिटी के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट विक्रांत को मिल जाने के बाद ही मेट्रो सिटी का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाएगा, और मेट्रो का हर बात में हाईटेक होना ही अपराधियों के लिए मुसीबत ढाएगा। मगर अब रेड आईब्रो के साथ साथ मेरा भी प्रण है कि मैं इस मेट्रो सिटी को तबाह कर दूंगा। मुझे अपने गैंग को बढ़ाने के लिए तुम और तुम्हारे भाई जॉनी बाज जैसे और क्विक माइंडेड क्रिमिनल्स की जरूरत है। अगर मैं जॉनी बाज को जेल से फरार करा पाने में सफल हो जाता, तो ये मेट्रो सिटी के हाईटेक कानून सहित विक्रांत की भी शिकस्त होती। इस घटना से सुपर इंडियन भी तिलमिला उठता, मगर जॉनी बाज पकड़ा गया। आओ टोनी चील, हम दोनों सोचेंगे कि इस हाईटेक सिटी के कानून व अर्थव्यवस्था के परखुच्चे हम किस तरह उड़ा सकते हैं। अगर किसी में कोई विशेष योग्यता है, तो उसकी वो योग्यता उसे सुपरस्टार बनने से नहीं रोक सकती। गिटार को सबसे तेज बजाने का दावा है इसका। सुना है उड़ते हुए पंछी के पंख भी इतनी तेजी से नहीं फड़फड़ाते जितनी तेजी इसकी उंगलियां गिटार की तारों पर थिरकती हुई चलती है। बेशकीमती है उसकी उंगलियां, इसी कारण अफगान कौमी ने उसकी उंगलियों का 50 करोड़ रुपयों का बीमा कराया है, और आज उसको वो 50 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। किसी ने गिटार में करंट प्रवाहित करा दिया। अफगान कौमी की उंगलियां बुरी तरह जल गई हैं, किसी ने शैतानी की है।
गिटार को सीधे 440 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। गिटार की वायरस में घातक करंट दौड़ा होगा। अपराधी भी तुरंत दौड़ा था। हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कोई भी पुलिस की नज़रों से बचकर नहीं निकलना चाहिए। मैं तो सही समय पर निकल गया। अब हमें रोक कर चलेगा। गुना चेहरे की रंगत और आंखों के भावों में बोलता है। हमें अपराधी की यही भाषा पढ़नी व समझनी आती है। समझते रहो, पढ़ते रहो, मैं तो चला। हा हा हा। अब तू अपनी मर्जी से तू कहीं नहीं जाएगा। ओ नो, क्योंकि अपराध इंसान से उसकी मर्जी और इच्छाओं की आज़ादी छीन लेता है। कड़ाक। वो जिस तेजी व हड़बड़ाहट के साथ कार चलाता हुआ केवल तू ऑडिटोरियम से निकला था, ऐसा केवल दिल और दिमाग से चोर आदमी ही कर सकता है। जब तक मैं कन्फर्म ना हो लूँ कि ऑडिटोरियम में कोई दुर्घटना नहीं घटी है, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। उस एम्बुलेंस में सुप्रसिद्ध गिटार प्लेयर अफगान कौमी को ले जाया जा रहा है। इसका मतलब शो रुक चुका है। तो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? ओह, अब आ रहे हैं एक एक करके। करंट से अफगान कौमी की उंगलियां बुरी तरह जल गई है। उसकी उंगलियों का 50 करोड़ का बीमा था। पुलिस का मानना है कि यह दुर्घटना नहीं थी, किसी शैतान का काम था। वो शैतान तुम ही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घटना घटते ही मैं घबरा कर सबसे पहले ऑडिटोरियम से निकल कर भागा था। मुझे लगा कुछ भारी गड़बड़ होने वाली है। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच, क्योंकि मैं कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी बातों का झूठ या सच पकड़ लूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये यंत्र लाई डिटेक्टर है? नहीं, तुमसे सच उगलवाने के लिए मुझे तुम्हें लाई डिटेक्टर तक ले जाने की जरूरत नहीं। इससे मैं तुम्हारे दिमाग की स्कैनिंग कर रहा हूँ। तुम इसको माइक्रो MRI मशीन कह सकते हो। जिन लोगों में झूठ बोलने की आदत होती है, उनके प्री फ्रंटल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य लोगों के मुकाबले सफ़ेद तत्व से ज़्यादा ग्रे तत्व पाए जाते हैं। कोई भी झूठ बोलते वक्त रासायनिक क्रियाओं के कारण ये ग्रे तत्व और भी बढ़ जाते हैं, और ये तकनीक किसी भी लाई डिटेक्टर से अधिक कहीं अधिक कारगर है। अब तो समझ गया होगा कि मैंने तुझे ये गुस्सा क्यों मारा है। ये तेरे झूठ बोलने की सजा थी। तेरे गुनाहों की सजा तो देना अभी बाकी है। डोगा चाचा ने मुझे सिखाया था कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जा सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर जब दुश्मन गोलियां चला रहा हो तो हाथ जोड़कर उसको सबक नहीं सिखाया जा सकता, और हाथ और हथियार उठाने ही पड़ते हैं। अब बाकी की सजा तुम्हें कानून देगा। कानून के हाथ मुझ तक पहुंचेंगे तभी ना। मैं जानता हूं कि सुपर इंडियन ने मेट्रो पुलिस को मेरे बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा। मेट्रो फास्ट पुलिस की विशेषता है कि कहीं भी 2 या 3 मिनट में पहुंचना। मुझे 1.5 मिनट तक इस खंभे की कैद से निकल भागना होगा, क्योंकि दूसरे ही मिनट वाकई पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। यहां इस खंभे पर तो कोई भी बंधा हुआ नहीं है। खंभे के ऊपर तक स्क्रैच पड़े हैं। मेट्रो सिटी की सबसे व्यस्त बड़क सड़क फास्ट ट्रैक, जहां कई सौ कारें एक साथ एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई चलती है। एक भी कार के बीच सड़क पर अचानक रुकने या पलटने का मतलब बड़ा खतरनाक या देश की सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। ओफ, ओह, ओ गॉड, क्रैच। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मेरी एक गोली ने 1000 कारों और उनके चालकों को बुरी तरह से घायल किया है। शायद कुछ मरे भी हो। बीमा कंपनी को इनके नुकसान की भारी भरपाई करनी होगी। हा हा हा। पीछे पलटते ही टोनी चील की सारी हंसी काफूर हो गई। सुपर इंडियन, तुम उनके बीमे की फिक्र और ऐसी क्रूर हरकत करने से पहले अपना बीमा करवा लिया था या नहीं? टोनी चील को याद आया कि उसके हाथ में गन है। टोनी चील के सामने आने से पहले अपना बीमा तूने करवाया है या नहीं? हा हा हा। अरे, गोलियां क्यों नहीं चली? मेरी लेजर रेंज ने तेरी गन के मैगजीन चैम्बर को पिघलाकर अलग कर दिया है। सुपर पंच कहाँ ले जाकर फेंकेगा ये कोई नहीं जानता था। गोलियां तो नहीं चली, मगर अब तू जरूर चलेगा, जब चलेगा मेरा सुपर पंच। इससे पहले इसी ने अफगान कौमी की उंगलियों को भी क्षतिग्रस्त किया था। उसकी उंगलियों का 50 करोड़ रुपयों का बीमा था। अब सड़क पर गोली चलाकर इसने जो कार्यवाही की है उसका भी कोई औचित्य नजर नहीं आता, क्योंकि सैकड़ों वाहनों की भीड़ में इसने अपने किसी विशेष दुश्मनों पर गोली चलाई हो तो ये तो हो नहीं सकता। वाहनों की इतनी भीड़ में अपना टारगेट को निशाना बनाना असंभव है। वो खामखा लोगों का नुकसान पहुंचाने पर क्यों तुला था? बाप रे, ऐसा सुपर पंच तो डोगा ने किसी भी अपराधी को नहीं मारा होगा। मेरे दोनों हाथ तो फौरन ही जबड़े का रास्ता भटककर पेट में चले गए। अब सुबह बाहर निकले, समुद्र में ना गिरता तो इस वक्त यमराज के दरबार में हाजिरी दे रहा होता। अंकल मेट्रो ने नायाब चाल चली थी। मैं इस शहर को आर्थिक स्तर पर बर्बाद कर देना चाहता हूँ, और इसके लिए मेरा पहला कदम इंश्योरेंस कंपनियों की ओर ही उठता है। टोनी चील, अफगान कौमी की उंगलियों का 50 करोड़ रुपया, फिर सैकड़ों कारों और घायलों की इंश्योरेंस का करोड़ों रुपया। अब मेट्रो सिटी में एक के बाद एक दिखेंगे तबाही के ऐसे मंजर। इंश्योरेंस कंपनियां पैसा चुकाते चुकाते बर्बाद हो जाएगी। हा हा हा। वो तो ठीक है अंकल मेट्रो, लेकिन तुम्हारी एक आंख बंद क्यों है? क्या कुछ गिर गया है? इसमें सुपर इंडियन गिरा हुआ है टोनी चील, इसमें विक्रांत गिरा हुआ है जिसने मेट्रो का निर्माण किया। मैं समझा नहीं अंकल मेट्रो। बेवकूफ तो समझ ले,
मैंने प्रण किया है कि जब तक मेट्रो सिटी को धूल में मिलाकर इसका रिकंस्ट्रक्शन और सुपर इंडियन का मेट्रो से सफाया नहीं कर लूंगा तब तक सोऊंगा नहीं। मैंने 2400 घंटे मेट्रो व सुपर इंडियन की तबाही के विषय में सोचने का प्रण किया है। अब बता मेरी आंखें कैसे सो सकती है। नींद बहुत ज़्यादा सताती है तो एक आंख से सो लेता हूँ और जब दूसरी खुली आंख दर्द करने लगती है तो फिर उस आंख को बंद करके उससे सो लेता हूँ। तब मेरी पहली आंख खुल जाती है। मैं जमकर नींद लेना चाहता हूँ। टोनी चील, तुम्हारा भाई जोनी बाज भी आज़ाद हो जाता तो मैं मेट्रो और सुपर इंडियन को तबाह करने में उसकी भी मदद ले पाता। मगर फिलहाल तुम ही सही। अब अगला टारगेट बहुत बड़ा व भारी होना चाहिए, ऐसा कि इंश्योरेंस कंपनी को उस नुकसान की भरपाई में पसीने छूट पड़े। हा। आओ बताता हूँ। यह है मेट्रो सिटी का पूरा नक्शा। तुम्हें मालूम ही होगा कि लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैली मेट्रो सिटी एक ऐसी सिटी है जिसे समुद्र में स्थित एक छोटे से द्वीप के आसपास के क्षेत्र को भराव करके रिक्लेमेशन विधि द्वारा बनाया गया है। यातायात का लोड सड़कों से हटाने के लिए बहुत से हिस्सों में अंडरग्राउंड मेट्रो की व्यवस्था की गई है। मेट्रो रेल के लिए रास्ता बनाने के लिए विशालकाय सुरंगें खोदी गई। इनको फावड़ों और कुदालों से नहीं खोदा गया, इनको खोदा गया है 15 फुट के व्यास वाली विशालकाय रोटरी ड्रिलिंग मशीनों से। यह मशीनें इतनी विशाल होती है कि सुरंग बनाने का काम खत्म हो जाने के बाद इन्हें जमीन के गर्भ से निकालना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।